एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 8 निमी एंड हर ड्रीम. ओके सो फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर. निमी विलेज वॉज लोकेटेड ऑन द लैप ऑफ डैश. जो निमी का गांव था वो किसके लैप में था, मतलब उसका जो घर था, जो उसका गांव था, वो किसकी गोद में लैप पर बसा हुआ था. सो राइट आंसर इज माउंटेन, लैप ऑफ द माउंटेन. सेकेंड वन इज निमी एंड हर फैमिली वॉज सराउंडेड बाय द नेचर एंड डैश. जो निम्बी का जो घर था, निम्बी और जो उसका परिवार था, वो उसका जो घर था वो उसके चारों ओर क्या था, नेचर, प्रकृति से, और किससे किससे घिरा हुआ था, ब्यूटी से, सुंदरता से. ठीक है, ब्यूटी आएगा. थर्ड वन इज निम्बी वॉन्टेड टू मूव इन द डैश. निम्बी कहाँ जाना चाहती थी, सिटी. सो राइट आंसर इज सिटी. देन फोर्थ इज निम्मी शॉ हर डिसीज्ड डैश इन हर ड्रीम. निम्मी ने अपने सपने में अपनी मरी हुई किसको देखा, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को. सो ग्रैंड मदर आएगा. ओके याद रखेंगे, अपनी दादी को देखा. देन रोहित वॉज कॉलिंग निम्मी फॉर डैश. रोहित अपनी बहन को, निम्मी को किस लिए बुला रहा था, लंच के लिए. ओके दोपहर के खाने के लिए उसे आवाज़ दे रहा था. देन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज फर्स्ट इज निम्मीज फैमिली ग्रो अ लॉट ऑफ डैश. निम्मी का जो फैमिली था वो बहुत सारी किसको क्या क्या ग्रो करता था, प्लांट्स एंड ट्रीज को. ओके सेकेंड वन इज निम्मी एंड हर फैमिली सर्वाइव्ड ऑन ग्रोइंग डैश डैश प्लांट्स एंड ट्रीज. निम्मी एंड उसका जो परिवार था वो सर्वाइव्ड, वो अपने जीवन मतलब जो चलाते थे वो सीजनल्स, ठीक है, सीजनल प्लांट्स. ओके रेगुलर नहीं, सीजनल प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करते थे. थर्ड वन इज निम्मी एंड हर फैमिली हैव एवरीथिंग इन द डैश. निम्मी और उसके परिवार का सब कुछ कहाँ था, विलेज पर, गांव में था. फोर्थ वन निम्मी वेकअप फ्रॉम द स्लीप एंड द डैश. ठीक है, विन्नी निम्मी जो थी वो अपनी नींद से उठी, ठीक है, वेकअप फ्रॉम द स्लीप एंड द ड्रीम. वो अपने सपने से और अपने ड्रीम से और अपने स्लीप से उठ गई. ठीक है, तो सो ड्रीम आएगा. फोर फिफ्थ वन इज निम्मी शेयर्ड हर ड्रीम विद हर फैमिली एंड दे डैश एट हर. निम्मी ने अपना सपना अपनी फैमिली के साथ शेयर किया और वो सभी उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे. ठीक है, लाफ्ड हर आएगा. देन सिक्स वन इज निम्मी डैश दैट वी शी हैविंग नाउ इट्स मोर देन इनफ एंड जॉयफुल. निम्मी को क्या हुआ, ड्रीम्ड हुआ, रियलाइज्ड हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही इनफ है और बहुत ही जॉयफुल है. ठीक है, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज निम्मी वॉज 18 ईयर ओल्ड. सो फॉल्स आएगा. निम्मी सॉ हर डिसीज ग्रैंड फादर इन हर ड्रीम. निम्मी ने अपने सपने में अपने ग्रैंडफादर को देखा था. सो ये भी फॉल्स होगा. रामा वॉज निम्मी फादर. सो ये भी फॉल्स होगा. निम्मी के जो फादर थे उनका नाम राणा था. ओके देन फोर्थ वन इज रोहित वॉज निम्मी ब्रदर. सो येस ट्रू, रोहित निम्मी का भाई था. इन द एंड ऑफ स्टोरी निम्मी डेवलप्ड लव ऑफ द मूवीज कैफे शॉपिंग. लास्ट में स्टोरी के निम्मी को जो मूवीज देखना, कैफे जाना, शॉपिंग करना, ये सभी पसंद आया. सो नो फॉल्स. निम्मीज फैमिली लव्ड एट हर आफ्टर लिसनिंग टू हर ड्रीम. सो ट्रू, निम्मी के जो फैमिली था वो उस पर हंस रहे थे उसका स्टोरी, उसके ड्रीम को, उसका सपने को सुनकर. सो यस इट इज़ ट्रू.